आपका थ्रू से मैं अरुणाचल के जनता को मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल में जो ब्यूरोक्रेट हैं, किस तरीका से अरुणाचल का जो प्रोटेक्ट जो एक हम लोगों ने ओवरस्प्रिंग इशू में हम लोगों ने डिमांड किया था, जिस तरीका से ब्यूरोक्रेट ने सेक्रेटरी का अंदर में नेग्लिजेंस कर रहा है, उसका बारे में मैं थ्रू मीडिया का से मैं बताना चाहता हूँ। इसमें हम लोग का एक ये भी एक ड्रैम एक इशू है, क्योंकि मैं जब अरुणाचल से बाहर जाता हूँ कि जाने से मैं देश के लिए सोचता हूँ। जब सारा इंडिया घूमने के बाद अरुणाचल वापस आता है तो मैं अरुणाचल के लिए सोचता हूँ। जो इंडिया में बहुत सा यूनियन टेरिटोरी है, बहुत सा स्टेट है, सब मिलके इंडियन है, तो इस तरीका से अपना अपना स्टेट जो है अपना अपना स्टेट का प्रोटेक्ट के लिए हमेशा सोचता है। वहाँ का आवाम, वहाँ का गवर्नमेंट, वहाँ का इंटेलेक्चुअल, तो अपना अपना स्टेट के लिए सोचता है, ये हर कोई सोचता है। लेकिन जिस तरीका से जो है हमारा अरुणाचल में ब्यूरोक्रेट लो नेग्लिजेंस किया जा रहा है, क्योंकि मैंने या अरुणाचल का इंटरेस्ट में हम लोगों ने एक मुहिम एक चेहरा था, एक इशू बनाया था, जिसका माँ जो है अरुणाचलीस है लेकिन जिसका पिताजी जो नॉन अरुणाचलीस है। और आपको पता है अरुणाचल एक प्रोटेक्ट एक स्टेट है, उसका हिसाब से जो है यहाँ में आउटसाइडर को तो राइट नहीं मिला जाता है। तो आज में देखने को मिल रहा है कि हमारा दायोन में जो बांग्लादेशी रिफ्यूजी है 57 ईयर्स सिर्फ अरुणाचल में एक मेहमान का तौर पर बैठ रहा है, लेकिन 57 ईयर्स बैठने ला वो भी रिफ्यूजी है, बांग्लादेशी है, वो आज मैं अरुणाचल हूँ, मैं बाय बाय अरुणाचल हूँ आज चिल्लाना शुरू कर रहा है। आप सबको पता है जब से हमारा सीएम साहब और हमारा एमपी साहब ने अनाउंस किया तब से वो लोग रेस्पेक्ट ही नहीं है, जिस लोग ने उसको जो है प्यार से रखा है, जिस लोग ने उसको फैसिलिटी दे रहा है, ज़मीन में बैठने दे रहा है, उसको रेस्पेक्ट नहीं है। उसी तरीका से अभी हम लोग का जो ऑफस्प्रिंग है जिसका माँ अरुणाचलीस है, उसका बच्चा जो या सालों साल से बैठ रहा है, गवर्नमेंट जॉब में है, कंट्रेक्टर में है, अभी भी प्रयास कर रहा है, हम लोग का राइट को लेके पीआरसी लेके बैठा हुआ है, फेक में एसटी लेके बैठा हुआ है, ये क्या, ये हम लोग का जो ऑफस्प्रिंग है जिसका आउटसाइडर का बच्चा है या हर एक क्लान में है, हर एक ट्राइब में है, तो ये तो पैदा यहाँ में हुआ है, क्या 100 ईयर में वो क्लेम नहीं करेगा मेरा माँ यहाँ का है, मेरा बाप यहाँ में 100 ईयर जिया है, मैं यहाँ 200 ईयर हो रहा है, 300 ईयर है, क्लेम नहीं करेगा क्या? जिस तरीका से रिसेंटली एक हमारा अरुणाचल वोमेन सोसाइटी ने एक राइट देने का बात किया, हम लोग ने ऑलरेडी ऑब्जेक्ट उसको अपोज कर चुका है, हम लोग रिजेक्ट कर चुका है, तो हम लोग फ्यूचर अभी डेंजर है, मेरा लैंग्वेज डेंजर है, मेरा कल्चर डेंजर है, मेरा हर एक चीज़ डेंजर है। मैंने बहुत बार कहा है, ऊपर से तिब्बत का थ्रू चाइना क्लेम कर रहा है, साउथ का थ्रू असम क्लेम कर रहा है, तो हम लोग पार्ट ऑफ इंटरनल पार्ट ऑफ जो ज्यूरिसडिक्शन में जो है आज हमारा बीच में जो है, हाँ मेरा भले मेरा बंजा हो सकता है, मेरा बंजी हो सकता है, लेकिन ये फ्यूचर क्रिएट करने वाला एक चीज़ है। मैंने शुरुआत में बोला था, हम लोग जब ये इशू शुरू किया था कि 6 नवंबर 2019 में
इसमें हम लोग डी केवल में एक मीटिंग कन्वेंस किया गया था कि ये जो है माँ जो है याकव के पिताजी और बार का उसको क्या करेगा, इसमें जो है सब कम्युनिटी बेस्ड स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन आया है, AITF आया है, जो अरुणाचल ट्राइब फॉर्म आया है, ऑल पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस BJP PPA सब का सब आया है 6 नवंबर 2019 में। तब हम लोग ने डिमांड शुरू किया है कि ये चीज़ को हम लोग अपना अरुणाचल का प्रोटेक्ट के लिए हम लोग शुरू करना चाहिए। इसमें मैंने क्लियर कर कहा कि ये मेरा, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, आप शुरू किसी के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन आप शुरू सिर्फ अरुणाचल को बचाने के लिए 1000 ईयर के लिए, जब तक ये धरती रहेगा, जब तक अरुणाचल रहेगा, उसके लिए आप शुरू पैदा हुआ है। तो अरुणाचल का प्रोटेक्ट के लिए हम लोग ने एक चीज़ को भूल रहा है, इसको हम लोग प्रोटेक्ट के लिए हम लोग ने शुरू किया गया। तब जाके स्टेट गवर्नमेंट ने एक हाई लेवल एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट किया गया है कि ये जो 19 नवंबर में फर्स्ट मीटिंग हुआ है, इसके बाद 29 29 जनवरी में सेकेंड मीटिंग हुआ है, लास्ट कोविड के बाद 1 ईयर 1.5 साल के बाद एक बार मीटिंग हुआ है। तो उसने मैंने मीटिंग में क्लियर कट, मीटिंग में कमेटी बनाया, वोमेन कमीशन को भी बुलाया था। तो मीटिंग में क्लियर कट बोला है कि मैंने ये चीज़ को यूनानिमसली रेजोल्यूशन लिया गया है कि इसको जो बनाना है। तो मेरा जो अभी कमिश्नर है सजेता का, उसने क्लियर बोला है कि सुप्रीम कोर्ट का बात है, मैंने बोला है कि वह सुप्रीम का कोई बात नहीं करना है, अरुणाचल अंदर को प्रोटेक्ट के लिए सुप्रीम कोर्ट से क्या मतलब है। देश में एक है कि गवर्नमेंट रूल बना सकता है, एक है कि सुप्रीम कोर्ट बना सकता है। अपना रूल बनाने के लिए हर एक स्टेट में जो या अपना अपना प्रोटेक्ट के लिए रूल बनाए, इसमें अरुणाचल अपना एक प्रोटेक्ट के लिए रूल बनाया तो सुप्रीम कोर्ट से क्या मतलब है। हाँ, वहाँ का जगह जगह का एग्जाम्पल से हम लोग से क्या मतलब है। ये तरीका जो है ठीक नहीं है, मैंने रिजेक्ट किया था, लेकिन हमारा कमिश्नर जो मैडम है उसने बोला है कि हम लोग को वादा किया है कि प्रोमिस किया गया है कि 2 महीना अंदर में इसमें रूल को ड्राफ्ट करके आपको प्रपोजल को पहले दिखाया जाएगा। 2 महीना हम लोग को समय दिया है, लो सेक्रेटरी को मैंने बार बार बोला है ड्राफ्ट आएगा तो आपका पास ही आएगा, आप करेक्शन करना है, लो सेक्रेटरी भी रेडी है, लेकिन हमारा मैडम या में जो ब्यूरोक्रेट है वो लोग अगर दूसरा को झूठ मारता है, दूसरा को घुमाता है, वो ठीक है, बहुत अच्छा चीज़ है, लेकिन उसको कोई गाली देता है, कोई उसको परेशान करता है बर्दाश्त से बाहर, तब जाके वो जो वो करप्ट है। इस तरीका से ये इशू चल रहा है, झूठ का ऊपर झूठ, झूठ का ऊपर झूठ। कभी दिन बोलता है कि 2 महीना, कभी दिन बोलता है कि 1 महीना, कभी दिन मैंने मेरा GS आमदनू जाके बोला है कि कभी दिन बोलता है कि 10 दिन। कितना झूठ का ऊपर झूठ मारेगा मैडम जी। ये अरुणाचल है, ये मेरा देश है, या मेरा चलेगा, या मेरा सब कुछ चलेगा आप शू का। हम लोग प्रोटेक्ट के लिए हम कुछ भी तैयारी है, इसलिए अंडरमाइन नहीं करना है। 7 दिन में अगर नहीं निकलेगा बहुत हद तक जाएगा, ये क्लियर है, ये क्लियर मैसेज है। 7 दिन में ड्राफ्ट में अरुणाचल का प्रोटेक्ट के लिए नहीं लिखेगा, वो जो आपका ड्राफ्टिंग को जो हम आपका सामने में ही पड़ेगा। मैडम का डिले होने का कारण मुझे मालूम नहीं है, वो सिर्फ हम लोग का तारीख का ऊपर तारीख दे रहा है, बस वही है उसका। क्योंकि आपको पता है अभी ड्राफ्ट ले जाएगा, सबसे पहले लो बैटिंग करेगा, एयर में जाएगा, एडमिनिस्ट्रेशन जो रिफॉर्म है इसमें जाएगा, लो बैटिंग करेगा, कितना और प्रोसीजर है। उसके बाद ख़त्म होने का फिर मैडम का पास आएगा, इसके बाद कैबिनेट में कैबिनेट पुटअप करेगा, नॉट पुटअप करेगा, इसके बाद कैबिनेट सेटिंग में पास करेगा, इसके बाद असेंबली में जाएगा, इसके बाद गवर्नर का पास जाएगा। बहुत सिस्टम है, लेकिन एक ही छोटा सा एक थोड़ा सा एक ड्राफ्ट को ही आपको जो है माना 2 साल लग जाता है। तो इसको सोच के देखो कितना नेग्लिजेंस है, हर एक फाइल को ऐसे ही करता होगा, या मैं हर एक चीज़ को ऐसे ही घुमाता होगा।
इसलिए अरुणाचल में मैंने देख लिया बहुत सा पॉलिटिशियन है, बहुत सा ऑफिसर है, जब तक नहीं बोलेगा कुछ करता नहीं है, जब तक उसको प्रेशर नहीं देगा, गाली नहीं देगा, बदनाम नहीं कर, कुछ करता नहीं है। अरे आपको जो रेस्पेक्ट करता है कमजोर तो नहीं है ना? जब बर्दाश्त से बाहर होता है, भाई ऐसे है, वो ऐसे है, ये ऐसे है, तो इस तरीके से जहाँ लेट कर रहा है, इसलिए मेरा तो वार्निंग है, क्लियर है, द्रव ठीक नहीं होगा, हम लोग समय भी नहीं देगा, समय ही नहीं देगा, जिस दिन देखिएगा उसी दिन से शुरू कर देगा हंगामा, ये क्लियर है। मेरा भाई इतनी ज़्यादा गली से मैं बता रहा हूँ ना, मैं नहीं देगा आप लोग को, आपको भी पता है, जितना मीडिया है इसको पता है कि कितना लोग का माँ पिताजी नॉन ट्रेवल है, लेकिन हमको पूछने का उल्टा आप जाके पूछो, दुनिया भर का या में ए क्लास ऑफिसर में, ए क्लास कंट्रेक्टर में है, हाँ, जितना या बड़ा बड़ा बिजनेसमैन में, कितना रेस्टोरेंट चला रहे हैं, हाँ, कितना या में जो है हम लोग ये जो है राइट को लेके जो है घूम रहे हैं, वो तो मीडिया का बहुत बड़ा रोल होना चाहिए ना, मैं क्यों अकेला बोलेगा? आप जो नहीं करना है क्या? आप भी तो करना है, हर एक MLA को जाके आप पूछना चाहिए, आप हर एक मंत्री को जाके आप पूछना चाहिए, अरुणाचल ऐसे खत्म होने जा रहा है, आप पूछता नहीं है। इसलिए मीडिया और मेरा एक रिक्वेस्ट है, आप लोग का भी इनिशिएटिव होना है कोई भी इशू में। लास्ट 7 डेज हम लोग कल गया था, लास्ट 7 डेज में जो आएगा आएगा, अगर ड्राफ्ट जो है हम लोग फेवर में नहीं आएगा, पार्क के में टेबल में पेक के, वो तो क्लियर है, रेस्पॉन्सिबल है सजेता डिपार्टमेंट।